थैंक यू. राइट. राइट. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि यू नो लाइफ में ऐसा एक पार्ट आता है जब आपको कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप डाल के नई शुरुआत करनी पड़ती है. सो मैंने ज़िंदगी में वही किया जहाँ पर मुझे लगा कि मेरी ग्रोथ यहाँ पर रुक गई है. वहाँ से मैंने एक नया शो का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया जो कि मुझे डेफिनेटली ग्रोथ देगा, जो कि मुझे डेफिनेटली कुछ सीखने का मौका देगा. सो यहाँ से मेरी लर्निंग प्रोसेस जो कि फुल स्टॉप जहाँ पर लग गया था वो लर्निंग प्रोसेस वापस से शुरू हो गई है. और यहाँ से मुझे वापस से लगता है कि अब जहाँ पर मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि यार मैं एक्टर बन गया हूँ और मुझे अब बस एक्टिंग करनी है और यहाँ से कहीं ना कहीं अब कुछ भी करूँ मैं, या मैं वेब सीरीज़ करूँ या फिर मूवी करूँ या फिर टीवी शो करूँ, एक्टिंग ही करनी है. लेकिन ये एक ऐसा शो है जहाँ पर आप वापस से ज़ीरो पर आ गए हो. नाउ यू वांट टू प्रूव योरसेल्फ एज अ डांसर, जो कि मैं बिल्कुल नहीं हूँ. सो उस जर्नी के लिए मैं बहुत 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 ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. रिस्क, राइट. रिस्क लेवल की बात करो तो डेफिनेटली रिस्क तो हर जगह होता है. अगर कहीं पे रिस्क नहीं है तो उसका मतलब आप सही जा ही नहीं रहे हो अपनी ज़िंदगी में. और यहाँ पर अगर आपको रिस्क फील हो रहा है तो डेफ़िनेटली आप बिल्कुल सही जा रहे हो, क्योंकि रिस्क के बिना आपके अंदर का यू नो वो कॉम्पिटिटर ही मर जाएगा. रिस्क हर जगह होता है. अगर मैं इससे पहले जो शो कर रहा था वही कर रहा होता तो वो करते हुए भी मेरी ज़िंदगी में रिस्क तो था ही, क्योंकि तब मेरी लाइफ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो रही थी. नाउ व्हेन आई एम पार्ट ऑफ दिस शो, आई बिलीव कि अगर मैं अपने शिद्दत से अपना 100% देकर इस शो में अपना पूरा जी जान लगा के मेहनत करता हूँ तो रिस्क का जो परसेंटेज लेवल है वो पूरा ड्रॉप हो जाएगा और सिर्फ एक्साइटमेंट लेवल बचेगी. मैं अपने आप को बिगनर ही मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने जो शो किया था उसमें मैं डांसर का किरदार निभा रहा था, लेकिन मैं डांसर था नहीं. और इससे पहले मैंने कुछ सीखा भी नहीं है डांस में. 7 साल पहले मैंने 3 महीने का एक बिगनर्स कोर्स किया था, लेकिन वो तो आई बिलीव हर कोई करता है. थोड़ा बहुत डांस तो हर कोई सीखता है, लेकिन उससे अपने आप को आप डांसर नहीं बुला सकते. मेरी बॉडी से डांस पूरी तरीके से निकल चुका है और मेरे लिए अब ये जर्नी बिल्कुल नहीं है. और इस चीज़ पर मेरी जो कोरियोग्राफर है श्वेता, उसको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ा, वो करती आ रही है. सो वो अपना 100% दे रही है और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ. जितना मुझसे हो रहा है मैं उतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और भी पुश कर रहा हूँ. और बीच में 2 दिन के लिए मैं बेड रेस्ट पे भी था बिकॉज मैंने कुछ ज़्यादा ओवर एग्जर्शन कर लिया था. राइट. राइट. प्रेशर तो डेफिनेटली था, क्योंकि ये लोग लेजेंड्स हैं. एंड करण सर की मूवीज़ देखने के बाद तो मैं एक्टर बना हूँ और मुंबई आया ही उनकी मूवीज़ देखने के बाद हूँ. मैं स्टूडेंट ऑफ द ईयर देखने के बाद मैंने फैसला किया था कि अब मैं मुंबई आके एक्टर बनने का ट्राई करूँगा डेफिनेटली. और माधुरी मैम तो लाइक उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है. और नौरा इज़ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी आउट देयर. जिस शो का हिस्सा बनी थी आज उसी शो को वो जज कर रही है. इससे बड़ा इंस्पिरेशन और क्या चाहिए आपको. सो तीनों के सामने आपको परफॉर्म करना है, मतलब आपकी खामियां बहुत जल्दी पकड़ी जाएगी क्योंकि तीनों परफेक्शनिस्ट हैं. तो थोड़ी बहुत नर्वसनेस तो डेफिनेटली थी, लेकिन मैं अपना 100% दूंगा उसमें. और मैं चाहूंगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा मौका है जहां पर तीनों में से कोई भी जज है उन्हें मेरी वो खूबियाँ दिखे और वो तीनों मेरी तारीफ़ भी करें. सो दैट्स व्हाट आई एम एमिंग फॉर. पुराना दोस्त फैजू को मैं 4 साल पहले मिला था और 4 साल में फैजू ने अपनी पूरी ज़िंदगी इधर से उधर पलट दी है. सो बातें तो बहुत कम होती है मेरी और फैजू की, लेकिन मिला हूँ उसको मैं 4 साल बाद आज वापस. सो वेरी वेरी ग्रेट गाय, इंस्पायरिंग स्टोरी. एंड धीरज भाई से एक बार मिला था मैं, बट एज अ फ्रेंड मेरा यहाँ पर कोई नहीं है. बट आई डेफिनेटली सी फ्यू पीपल हियर बिकमिंग माई फ्रेंड्स. या राइट. नहीं, तो जब मैंने ये फैसला लिया तो मेकर्स वर डेफिनेटली नॉट हैप्पी. दे टोल्ड मी नॉट टू डू दिस शो, बट देन इट्स ऑल अबाउट योर जर्नी. आई चोज टू बी पार्ट ऑफ झलक दिखला जा ओवर समथिंग आई वॉज डूइंग अर्लियर. एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस थिंग, दिस डिसीजन. एंड आई डोंट रिग्रेट अबाउट एनी थिंग. सो या इट वॉज लाइक अभी मैं मिलने गया था अपने फ्रेंड्स से, अपने को एक्टर्स से, जो कि बहुत ज़्यादा खुश है मुझे ऐसा देखते हुए, जिन्होंने मुझे कहा कि तूने बिल्कुल सही फैसला लिया है और तू जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.